नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा। पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि जॉन डॉल्टन ने बताया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ या तत्व का वह सबसे छोटा पार्ट है जिसको हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते, और उसने बताया था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं, समान होते हैं, यानी कि उनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होंगे, समान होंगे। लेकिन बाद में हमें परमाणु के अंदर उनके छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा परमाणु है वो सबसे छोटा पार्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी पार्ट प्रेजेंट है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, जिनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा भी फिर बाद में और पार्टिकल्स की खोज हुई, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, पायोन, मेजोन, बहुत सारे पार्टिकल्स की खोज होगी। तो जॉन डॉल्टन की थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, यानी कि जो हमारा परमाणु है वो सबसे छोटा पार्ट नहीं है, यानी कि परमाणु के अंदर भी और पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अब परमाणु में ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये कहाँ उपस्थित होते हैं, किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं परमाणु में, इनकी व्याख्या करने के लिए क्या दिए गए परमाणु के मॉडल, कौन कौन से मॉडल दिए, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल। इनमें से थॉमसन और रदरफोर्ड के बारे में हम पिछले उसने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ कौन सा मॉडल पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने एक बहुत ही थिन सोने की जो फिल्म थी उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स थी, उनकी बम्बारमेंट की थी, और उसकी बम्बारमेंट से जो उसने ऑब्जर्वेशन मिले उसको, उस ऑब्जर्वेशन से उसने निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा परमाणु है वो एक गोलाकार संरचना होती है जिसमें जो धनावेश है वो एक जगह केंद्रित रहता है, जिसको उसने क्या कहा, नाभिक, और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके जो अधिकांश, जो बताया उसने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खाली होता है, उस खाली भाग में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये संरचना किसने दी, रदरफोर्ड ने। बोर ने, अब उसकी कमी क्या थी कि कोई भी क्लार्क मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल चक्कर लगाता है तो वो क्या करेगा, अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती होती क्या होगी, शून्य हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन किस में गिरना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए, यानी कि जो हमारा परमाणु है वो कैसा हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, अस्थायी रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता, हमारा परमाणु अस्थिर नहीं होता है। तो बोर ने इसमें थोड़ा संशोधन करते हुए उसने कहा कि प्रत्येक कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा कैसी होती है, निश्चित होती है, और अलग अलग कक्षाओं की ऊर्जा का मान उसने क्या बताया, अलग अलग होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, जो उससे दूर चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा क्या होगी, उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। और बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एच अपॉन टू पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यहाँ एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, अर्थात बोर के अनुसार जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसके लिए कोणीय संवेग यानी कि एम वी आर किसके इक्वल होगा, एन एच अपॉन टू पाई के। इसके अलावा बोर ने क्या बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ना ही अपनी ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, लेकिन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाने पर जाएगा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहा है तो क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ रहा है तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। इसके अलावा उसने क्या कहा कि अपने निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन आवश्यक बल अभिकेंद्रीय बल द्वारा प्राप्त
करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर माना माना सपोज इलेक्ट्रॉन की निम्न कक्षा में ऊर्जा क्या है, E1, हमने उसको ऊर्जा दी और वो किस में चला गया, उच्च कक्षा में। उच्च कक्षा में सपोज माना उसकी ऊर्जा कितनी है, E2, कितनी है E2, तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, यानी कि डेल ई कितना होगा, E2 माइनस E1 इसके बराबर होगा। अब बोर मॉडल की क्या कमियां थी, क्या दोष थे, बोर मॉडल है वो जीमेन इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर पाया। ये मॉडल केवल एक परमाणु, ये एक इलेक्ट्रॉन परमाणु जो होते हैं केवल उनके लिए ही सही है, बहु परमाणु बहु इलेक्ट्रॉन या परमाणु की स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर पाया। बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो परमाणु की कक्षा वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसमें सोमरफील्ड ने क्या बताया कि परमाणु की कक्षाओं को कैसा बताया उसने, दीर्घाकार। स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं की कर पाया। कुछ परमाणु जैसे नाइट्रोजन आदि के दो स्पेक्ट्रम रेखाओं दिखाई देती है, उसकी व्याख्या इस मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। परमाणु के नाभिक को बोर ने स्थिर माना, लेकिन नाभिक अपने अक्ष के ऊपर भी क्या करता है, घूर्णन करता है। थैंक यू।